गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी लर्न इंग्लिश ग्रामर। अभी सेमेस्टर टू की बुक स्टार्ट हो गई है। ओके चिल्ड्रेन, सी पेज नंबर 65, उसके ऊपर है ग्रामर का हमारा फर्स्ट टॉपिक, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव को जो डिस्क्राइब करने वाला वर्ड होता है उसको बोलते हैं, जो डिस्क्राइब करता है किसी चीज़ किसी पर्सन के बारे में उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। Describing words are words that describe a noun. Noun जो होता है उसको describe करता है, यानी noun क्या है कैसा है, okay? उसके लिए describe करता है, उसको हम adjective बोलते हैं। We call them adjectives. यहाँ पर example दिए हुए, a thin man. Man क्या है? Noun है। See children, इसमें से noun कौन है? Man. Man कैसा है? थीन है। कैसा है? थीन है। जो नाउन है उसको डिस्क्राइब करता है कि वो कैसा है, तो वो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर थीन क्या है? एडजेक्टिव। एन एंग्री लायन, इसमें नाउन कौन है? लायन। बट लायन कैसा है? एंग्री है, एंग्री लायन है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव कौन हुआ? एंग्री। यानी कोई भी चीज़ पर्सन थिंग उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है, उसको हम कहते हैं उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे एन एंग्री लायन, लायन कैसा है? एंग्री है। तो एंग्री एडजेक्टिव हुआ। ओके, अ रेड रोज, नाउन कौन है? रोज है। रोज कैसा है? रेड है, रेड रोज। तो यहाँ पर एडजेक्टिव कौन हुआ? रेड, यानी जो नाउन को डिस्क्राइब करता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। द वर्ड थीन डिस्क्राइब द नाउन मैन, मैन को डिस्क्राइब करता है। अ वर्ड एंग्री डिस्क्राइब द नाउन लायन। द वर्ड रेड डिस्क्राइब द नाउन रोज। दस दे आर एडजेक्टिव। मैनी एडजेक्टिव्स हैव देयर अपोजिट्स, यानी बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे हैं जिसके अपोजिट होते हैं। लर्न द फॉलोइंग एडजेक्टिव एंड देयर अपोजिट्स। सी यहाँ पर दिया हुआ है नीचे, थीन, फैट, फर्स्ट, लास्ट, बिग, स्मॉल, ड्राई, वेट, कोल्ड, हॉट, गुड, बैड, क्लीन, डर्टी, हैप्पी, सैड, फास्ट, स्लो, टॉप, बॉटम, ओल्ड, यंग, ब्यूटीफुल, अगली, न्यू, ओल्ड, रिच, पुअर, लॉन्ग, शॉर्ट, हार्ड, सॉफ्ट, काइंड, क्रूअल, राइट, रॉन्ग, राइट, लेफ्ट, शार्प, ब्लाइंड, विश, फुलिश, हाई, लो, वाइड, नैरो, वीक, स्ट्रॉन्ग। ओके, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं जिसके ऑपोजिट के उसका ऑपोजिट भी होता है। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 66, उसके ऊपर एक्सरसाइज दी हुई है। यहाँ पर है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन ईच फेज, राइट अनदर फेज यूजिंग द सेम एडजेक्टिव। ओके, यहाँ पर देखो ये 12 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसमें आपको एडजेक्टिव अंडरलाइन करना है कि एडजेक्टिव कहाँ पर है। तो फर्स्ट, अ फैट हैन, हैन नाउन है और एडजेक्टिव क्या है? फैट है। हैन कैसी है? तो फैट है। एन ओल्ड मैन, मैन नाउन है, मैन कैसा है? ओल्ड है, तो ओल्ड एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह आपको इसमें से नाउ एडजेक्टिव फाइंड आउट करने हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ यहाँ पर नीचे आई हैव अ बॉल, यहाँ पर एडजेक्टिव दिया हुआ है, कैसा बॉल? बिग बॉल। तो अभी आपको रीराइट करना है इन योर नोटबुक। तो आई हैव अ बिग बॉल, एडजेक्टिव को नाउन के साथ लिखना है और पूरा नया सेंटेंस बनाना है। देखो, आई हैव अ बिग बॉल, ऐसे ही आई हैव एन एप्पल, तो यहाँ पर कैसा एप्पल? रेड एप्पल। तो आई हैव अ
रेड एप्पल, फिर एन निकल जाएगा, ओके चिल्ड्रन, अ रेड एप्पल, शी हैज अ नाइफ, शी हैज अ शार्प नाइफ, नाइफ कैसी है, शार्प है, तो आपको रीराइट करना है कि शार्प नाइफ। मनु इज अ प्लेयर, मनु इज अ, यहाँ पर देखो ब्लॉक में गुड, तो एडजेक्टिव दिया हुआ है, मनु इज अ गुड प्लेयर। दिस आर मैंगोज, ये मैंगोज है, यहाँ पर है स्वीट लिखा हुआ है, तो दिस आर स्वीट मैंगोज। हियर ग्रैनी इज अ वुमन, ग्रैनी यानी ग्रैंड मदर इज अ ओल्ड वुमन, ओके। द मंकी इज एन एनिमल, तो द मंकी इज अ क्लेवर एनिमल, ओके। इसी तरह आपको पूरा रीराइट करना है सेंटेंस इन योर नोटबुक, ओके चिल्ड्रन। तो ये हमारा एडजेक्टिव था, मैडम एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए दूसरे सेंटेंसेस भी देंगी, उसमें से आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है, ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।